वैसे दूसरी राशि कहते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को गुरु शुभ है, शनि भी शुभ है, केतु 5 अक्टूबर तक शुभ है, राहु भी शुभ है। कृतिका इसमें नक्षत्र आते हैं कृतिका रोहिणी और विदुषी। कृतिका नक्षत्र में गुरु और राहु के लिए पापी है, शनि शुभ है, केतु भी शुभ है। रोहिणी नक्षत्र के लिए गुरु पापी है, शनि राहु केतु शुभ है। दक्षिणा नक्षत्र के लिए भी गुरु पापी है, शनि राहु केतु शुभ है। उसी प्रकार मिथुन राशि के लिए गुरु शुभ है, शरद के शनि केतु भी शुभ है और राहु 5 अक्टूबर तक पापी है। इसमें नक्षत्र आते हैं आर्द्रा और पुनर्वसु। आर्द्रा नक्षत्र के लिए गुरु पापी है, शनि राहु केतु शुभ है और पुनर्वसु नक्षत्र के लिए गुरु प्रतिकूल है, शनि केतु शुभ है और राहु पापी है। उसी प्रकार कर्क राशि आती है, कर्क राशि में गुरु शुभ है, शनि शुभ है और 18 फरवरी 2022 के बाद शनि प्रतिकूल होता है कर्क राशि वालों को, इनके लिए राहु केतु शुभ है। इस वर्ष वैसा देखा जाए तो कर्क राशि के लिए सभी ग्रह शुभ है, लेकिन पुष्य नक्षत्र में ग्रह जितने जन्म में लोग हैं उनको गुरु शुभ है और शनि राहु केतु भी शुभ है। अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए गुरु भी शुभ है और राहु के शनि राहु केतु भी शुभ है। कर्क राशि संपूर्णतः इस वर्ष में शुभ पर प्रणाम करने वाले। सिंह राशि, सिंह राशि में इस बार गुरु शुभ है, शनि अशुभ है। शनि आने वाले 2022-17 तारीख तक शनि शुभ है, उसके बाद वो अशुभ फैलाएगा। राहु केतु भी सिंह राशि वालों के लिए शुभ है। इसमें नक्षत्र आते हैं मघा और पूर्व पर्व। मघा नक्षत्र वालों के लिए गुरु शुभ है, शनि पापी है और राहु केतु शुभ है। पूर्व पर्व के नक्षत्र वालों के लिए गुरु पापी है, शनि राहु केतु शुभ है। ये उनके उसके ऊपर दृष्टि के अनुसार ये चार्ट में दिया गया है कि राशि को तो राशि का फल नहीं है, लेकिन राशि में नक्षत्र भी होते हैं, उस नक्षत्र में कौन से ग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। कन्या राशि, इसमें गुरु पापी है, शनि और केतु शुभ है, राहु 5 अक्टूबर तक पापी वाल शुभ है। और इसके बाद इसमें 2 नक्षत्र आते हैं उत्तराखंड में और हस्ता नक्षत्र। गुरु केतु पापी है और शनि राहु शुभ है। हस्ता नक्षत्र वालों के लिए गुरु पापी है, राहु केतु शनि शुभ है, तीनों ग्रह है, लेकिन गुरु के प्रति ये लोग अच्छी तरह अपना आचरण करें और अच्छी तरह उनका उनकी आराधना करें। तुला राशि वाले, तुला राशि के लिए गुरु और केतु पापी है, शनि शुभ है और राहु 5 अक्टूबर तक पापी है। इसमें चित्रा नक्षत्र आता है, चित्रा नक्षत्र वालों के लिए गुरु शुभ है, शनि राहु केतु भी शुभ है। लेकिन स्वाति नक्षत्र वालों के लिए गुरु शुभ है, शनि केतु शुभ है, राहु 5 अक्टूबर तक पापी है। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए गुरु शुभ है, शनि पापी है, राहु पापी है, केतु भी पापी है विशाखा नक्षत्र वालों के लिए। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए गुरु पापी है, शनि और राहु शुभ है, केतु शुभ, केतु शुभ है, गुरु एक ही पापी है वृश्चिक राशि। लेकिन इसमें आता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के लिए गुरु और केतु पापी है, शनि और राहु शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र आता है उसमें गुरु पापी है, शनि राहु केतु भी पापी है। इसी प्रकार धनुराशि, धनुराशि में गुरु पापी है और शनि राहु केतु शुभ है। इसमें 2 नक्षत्र आते हैं। मूल नक्षत्र को गुरु राहु केतु शुभ है और शनि पापी है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वालों के लिए गुरु पापी है, शनि राहु केतु शुभ है। उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि में गुरु पापी है, शनि पापी है, राहु केतु शुभ है। उत्तराष्ट्र 2 नक्षत्र आते हैं उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ में गुरु शुभ है, शनि राहु शुभ है और केतु पापी है। श्रवण नक्षत्र वालों के लिए गुरु शुभ है, केतु शुभ है, शिव राहु शनि और राहु पापी है। उसके बाद कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु शुभ है, राहु केतु शुभ है, शनि पापी है। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा के लिए गुरु पापी है, शनि भी पापी है, राहु केतु शुभ है। शतकारक है, शतभिषा नक्षत्र के लिए गुरु पापी है, शनि राहु केतु शुभ है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों के लिए गुरु राहु पापी है और शनि केतु शुभ है। उसी प्रकार मीन राशि वालों के लिए गुरु शुभ है, शनि राहु केतु भी शुभ है। लेकिन इसमें 2 नक्षत्र आते हैं उत्तराभाद्रपद और अयोध्या। इसमें उत्तराभाद्रपद गुरु उनके लिए पापी है, शनि राहु केतु शुभ है और अयोध्या नक्षत्र के लिए गुरु शनि राहु केतु में केतु पापी है और गुरु कुछ दिन के लिए पापी है। बातें सारे ग्रह इस वर्ष समय है अयोध्या नक्षत्र और मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया कि हम किस राशि के अनुसार कौन सा कार्य करने पर हम इस संवत्सर में फल आने वाले का इससे हमें छुटकारा मिलेगा या पाप से छुटकारा मिलेगा या दुष्ट कर्मों से छुटकारा मिलेगा, इसका ज्ञान देने के लिए मैंने ये चार्ट बनाया है। इसके अनुसार मैंने कौन सी राशि वाले किस प्रकार के कार्य करना चाहिए और किस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए, मैंने कुछ अर्थ देना ही चाहिए। ये राशि की तो मेरे ग्रहालु अनुकूल मान तो मेरे ग्रहालु शनि गुरु
राहु केतु ये नालू ग्रह लेना जो है सारा रोज मैं जीवित अंदर समस्त अंतर कलाकी चेंगे शनि उनका राशि लो रिंदना रो समस्त कार्य उनका गुरु पदमों के जन्म उनका राहु केतु पद्म जन्म उनका इधर से वीडियो का कार्य बाले का सारा ऊपर इताबती वीडियो रावण मन की देखो का ऊपर इताबती ये नदी ఇప్పుడు నీకు ఆ నక్షత్రం రాశానుసారి ఏది చేస్తే బాగుంటుంది చేయకపోతే బాగుంటుంది తప్పింది సంతృప్తమై ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు నిజమైన జ్యోతిష్కర్త లేకపోతే మీరు చాలా పొడువుగా చెప్తూ ఉంటారు. ఏమని మీరు ఆ గ్రహం ఏమి నేను ఏమి అనను. రాహుగ్రహం దేనికి కారకుడు, కేతుగ్రహం దేనికి కారకుడు, శనిగ్రహం దేనికి కారకుడు, గురువు దేనికి కారకుడు, ఈ సంవత్సరం అంతా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వీళ్లకు సంబంధించిన కార్యాలు మన రాశి నక్షత్రానుసారం మనం ఏది చేయవలేము ఏది చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది. ఇది సంక్షిప్తంగా చెప్తే మీకు ఎక్కువ టెన్షన్ ఇవ్వకుండా నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఆచరిస్తే చాలు, మీకు ఆ గ్రహాల యొక్క ప్రభావం ఎక్కువగా మీరు చూపించబడదు. కాబట్టి ఆ చార్ట్ను తయారు చేసిన वैसे हम नीचे चेता केंद्र जो अपने तरह से मार्गदर्शन करता है, मैं ज़्यादा करके मेरे साधकों को और गुरु जी के गुण मंत्र करने वाले साधकों को सभी को यही कहता हूँ कि उनको ज़्यादा टेंशन ना देना चाहिए, क्योंकि हर क्षण हर मिनट मैं उनको उनकी सहायता साधना के मार्ग से करते ही रहता हूँ. फिर भी इतना करते समय में भी बस कभी साधना कर सकते हैं, कभी साधना नहीं करते, और ऐसे समय में परेशान होकर फोन करते हैं मुझे क्या करना चाहिए. अब मेरी परिस्थिति अगर आपको बताऊँ तो सच है, सच कहा जाए तो मैं बहुत सुखी आदमी आदमी हूँ, लेकिन मेरे को टेंशन आप लोगों से होने लगता है. अभी मैं इस पूरे वर्ष में अगर सच्चाई से आपको कहूँ तो कभी सुख की नींद नहीं सोया. क्यों? रात के 12 बजे फोन आता है, बिल्कुल खांसी बोल गए, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना का सिम्टम्स है. मैं क्या करूँ, मैं रात के 12 बजे से क्या बोलूँ. सुबह 5 बजे फोन आता है, बिल्कुल माता जी को सीरियस है, गले से इन्फेक्शन हो गया. मैं क्या करूँ. अब ये मुझे ये और आज तक तो ये सेकेंड फेज में ऐसा हो गया है कि हर रात के 12 बजे फोन आया तो मेरी गर्दन बढ़ जाती है कि वो कहीं और मारना जाए. और वो ऐसा ही कहते हैं लंग्स काम हो गए, डॉक्टर कहते हैं 24 घंटे के अंदर बनने वाले. अब मैं उस रात में कौन सी साधना उसके लिए उठ के करूँ, उसे आश्वासन दूँ कि मैं तुझे बचा लेता हूँ. वो 5 बजे उठकर कहता है कि गुरु जी बहुत परेशान है, आप कुछ ना कुछ करो. इस प्रकार हम जिस चीज़ को देखना चाहते हैं, जिस चीज़ को करना चाहते हैं, इस तक यहाँ हम अच्छे हमारे घर भी अच्छे हों तो टेंशन लेने वाले बहुत सारे हो जाते हैं. आजकल अरमान ऐसा हो गया है कि हमें कल क्या होगा हमें किसी को बताना. एक बार की बात है, कभी कभी योग्य व्यक्ति भी होते हैं, जैसे हमारे रामानंद स्वामी हैं. मैं बहुत कभी कभी मजाक करके बैठता हूँ, कभी कभी लगता हूँ तो उनका हमारा बातों बातों में चलता है कि वो कभी कहते हैं ये गुरु गुरुगार अन्यायम चेसिन वाड़ बागने बच्चे वाड़ बागने न्यायम देवम धर्मम अनेटुवंटि एम बागलेदु. మేము కదా నీకు నా కాదు కాలం చెప్తుంది సార్, కాలం చెప్తుంది మీరు చూడండి. అప్పు సచి కే సార్ కరోనా జితే ధనవాన్ చూడ భాగ్యం గణిస మారే వాళ్ళీ బహు తాకత్వర ఆదమి ఆయన వాళ్ళీ ఘర్ బా సుఖా కాల మారా కైసా కాల్తా ఆశ్రమే ఉన్నీ జనకి పాస్ ధన హై ఉన్నీ జన పాస్ సామర్థ్య మేరే పాస్ ధన హై మేరే పాస్ ఐశ్వర్య హై మేరే పాస్ రాజ్య హై మే రాజా కహిన వాళ్ళు యువక కొయి బాగా నీ ఆ బాగా ఢూంఢే प्रजा में आते नहीं. और प्रजा में बाहर आने वाला होता है तो वो पुण्य मार आती है, वो कर्म करने वाला आदमी बाहर आता है उसे कोरोना मुक्त नहीं हो सकता. आज हमारे आज हम मैं मेरे गुरु के ऊपर विश्वास करते हुए गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं ये पूर्ण वर्ष में भी सारे कार्यक्रम गुरु के किया और बहुत सारे लोग आए. बहुत सारे लोगों को ये बात कहता हूँ कि तुम यहाँ आते हो तो तुम्हें कोई मास्क पहनना नहीं, गुरु कृपा है तो यहाँ ऐसे ध्यान ऐसे पेड़ में रक्षा करके लगाएं जो अनुकूल है, आप उसकी हवा लेकर तुम्हारे को कोरोना नहीं आएगा.
यहाँ अगर आते हो, और ये मैंने पूर्ण वर्षों में देखा है, मैं आपको यही कहता हूँ, काल किसी को नहीं छोड़ता, मैं धनवान हूँ, मैं तुम्हें डरा देता हूँ, घर के मार्ग पर मैं गुंडागर्दी करता हूँ, अरे तू गुंडा भी है तो काल का मार पड़ा तो आज जाके दुबक के बैठा है। इसलिए मैं कहता हूँ, हम सब कहते हैं कि एकलव नाम संबंध हो गया, मैं शार्वरी नाम संबंध हो, ये है 60 वर्ष के मध्य वर्ष कहलाए जाते हैं, और ये तुला का भार है, यह न्याय करते रहते हैं। ये जो 30 से लेकर 40 वर्ष का पीरियड है, 30 से लेकर 35-36 वर्ष का पीरियड है, ये न्याय करने वाला पीरियड है, और यह अच्छे अच्छे लोगों को बचा देता है। जो पाप किए हैं, पाप से धन हो गए, मेरे पाप का डर नहीं है, मैं उसके ऊपर गुंडागर्दी करना कहता, ऐसे लोग भी अपने आप को असहाय मानते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता कह सकते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं कि मुझे कार के सामने मुझे डर है, मैं कल क्या होगा, उसके बाद बहुत सारा पैसा है, लाखों करोड़ रुपये भी है, लेकिन कार उसे जैसा मारा बीमारी के मार्ग से, वो घर से बाहर नहीं निकल सका, कार से बाहर नहीं बाहर नहीं आ सका, ये कार है। और यह जो वर्ष है, आप गत 60 वर्षों के पीरियड में आप देखते रहना, प्लव नाम समर्थन कल गया, शार्वरी नाम समर्थन, और यह प्लव नाम समर्थन, ये प्लव नाम समर्थन का प्लव के 4-5 अर्थ लगाए गए, एक प्लव उड़ता हुआ, उड़ते जाने वाले, यानी अपने अपने जीवन में जो भी भाग्य है उसको उड़ता हुआ दिखता है, उसे प्लव नाम प्लव कहा गया है। दूसरा अग्नि भगवान को भी प्लव कहा गया है, और तीसरा सूर्य नारायण के रथ साथी है, उसको भी प्लव कहलाया जाता है। ये सारी चीज़ें ये बताती है कि अग्नि तत्व को देकर हमारे संसार में मैं कहने वाला जितना भी आदमी है, मैं बात कर करके भी जिंदा हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे कहने वाले हैं, उनके उनको पछाड़ देता है ये प्लव नाम समर्थ, उसको अपना गर्व करके नहीं देता, तेरे पास गर्व करने के लायक ही कुछ नहीं है, ये बता देता है ये प्लव नाम समर्थ है। मैं करने वालों को, मैं कहने वालों को, अच्छे अच्छे लोगों को बिठा देता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, मैं काल हूँ, मैं तुझे निर्णय लेता हूँ, तेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है, ये बताने वाले एक पांच साल शार्वरी से लेकर शुभ अभी लोग कहते हैं प्लव नाम समर्थन है, अभी अच्छे आए शार्वरी गया बीमारी का, और प्लव नाम समर्थन तुझे न्याय देगा, तुझे अन्याय करने वालों को गुंडागर्दी करने वालों के लिए वो शिक्षा प्रदान करने वाला है, और जो न्याय से चलने वाले हैं उसको लोग शुभ के मार्ग पर शुभम कृत्य, तो शुभ काम करने वाला है, आने वाला वर्ष शुभ कृत्य शोभन है, तो शुभ काम करने वाला है, तो तेरी रक्षा मैं करता हूँ, काल मैं करता हूँ, तुझे गुंडागर्दी करने वाले मेरे सामने टिक नहीं सकेंगे, तेरे ऊपर अकारण अन्याय करने वाले टिक नहीं सकेंगे, ये काल कहता है। काल अपने अपना अपना बल देकर चलता है, और अच्छे अच्छे लोगों को छाड़ देता है, जो कहता है तुम्हारा मेरे सामने तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। आज तक ये 30 सालों में, ये हमारे 60 वर्षों में 25वां साल है, आज हम इस 30 सालों में जो भी करते हुए आए, और हम लोगों ने भी उदाहरण लिया, गुरुओं ने अन्याय किया, उन्होंने मंदिर गिराए, उन्होंने वो किया उसका किया, ये सब हम बोल देते हुए आए हैं, लेकिन ये जो काल है किसी को नहीं छोड़ता, वो हर एक को अपने अपने अनुसार जरूर उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है कि तू उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ये कहता है। और ऐसे समय में ही हम किस देवता की आराधना करनी चाहिए जिससे हम इस काल के साथ जी सकते हैं, हमें काल महाकाल महाकाली भैरव जो काल को अपने मुट्ठी में लेकर चलने वाले हैं, उन देवताओं का आचरण करना हमारे शुभदायक कहा गया है। तो इस प्लवनाम संवत्सर में अग्नि तत्व वाले, यानी जैसे काली तारा महाकाल, ये सब अग्नि तत्व वाले रुद्र है, और इन रुद्रों का जो अग्नि तत्व वालों की हम आराधना करते हैं तो हमें न्याय मिलेगा, हमारा हम पर कोई अन्याय नहीं कर सकेगा, हमारे ऊपर लगातार तुम्हारे ग्रह भी कितने भी खराब हैं वो ग्रह भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे अगर तुम उस अग्नि तत्व रुद्र का रुद्र की पूजा करते हो। तो मैंने सभी के लिए कहा है कि जो आज जो बीमारियाँ हमारे ऊपर आह्वानित हो गई है, हमारे ऊपर प्रभाव बता रही है, उस पर अगर बीमारी से बचना चाहते हैं तो तुम्हारे घर के सामने अग्नि देवता का इस प्रकार का फोटो तुम्हारे घर के दरवाजे पर रखो, इसमें अग्नि नमामि सतम ज्वालामालकोपम अजारुणम चतुरस्रम विशेषम प्रवसन निगम, इस अग्नि देवता का फोटो तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे घर में रखते हो तो तुम्हारे घर में अन्याय नहीं होगा, अकारण लोग नहीं मरेंगे अग्नि की जो पूजा करते हैं। अगर इस अग्नि की पूजा करने में अगर आपको लगता है कि हम इस संवत्सर कुछ न कुछ हमारे जीवन में करें तो केवल ओम ओम वन्य नमः इस मंत्र का अगर आप रोज 11 बार उच्चारण करके बाहर निकलते हैं तो आपको किसी प्रकार का बीमारी या किसी प्रकार की डर किसी प्रकार का
अन्याय सहन करना नहीं पड़ेगा। अब जो अग्नि की पूजा करता है उसके बारे में कह रहा हूं।